अब हम लोग नेक्स्ट प्लांट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और वो है टेरिडोफाइटा। हम लोगों ने एल्गी पढ़ लिया है, हम लोगों ने ब्रायोफाइटा पढ़ लिया है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्लांट ग्रुप के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में ये ध्यान रखेंगे, दो तरह के प्लांट्स का एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। तो टेरिडोफाइटा में कौन कौन से प्लांट ग्रुप आते हैं? हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। हॉर्स टेल्स आते हैं एंड फर्न्स आते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। परंतु केवल हॉर्स टेल्स और फर्न्स ही आते हैं ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं टेरिडोफाइटा में, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक में जहाँ टेरिडोफाइटा का डिस्कशन है उसकी जो सबसे आखिरी जो लाइन है या आखिरी पैराग्राफ है वो पढ़ना होगा। उसमें बताया गया है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको चार क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। तो टेरिडोफाइटा आर क्लासिफाइड इनटू फोर क्लासेस, तो टेरिडोफाइटा को चार क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और इसका एक क्लास है साइलोप्सिडा। ध्यान रखिएगा पी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा में भी पी साइलेंट है, साइलोप्सिडा में भी पी साइलेंट है। दूसरा क्लास है लाइकोप्सिडा, ठीक है। तो पहला क्लास है साइलोप्सिडा, दूसरा क्लास है लाइकोप्सिडा, तीसरा क्लास है स्फिनोप्सिडा, और चौथा क्लास है टेरोप्सिडा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ग्रुप है टेरिडोफाइटा, इसको चार क्लास में बांटा गया है और हर क्लास के एक एक दो दो एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो साइलोप्सिडा का जो एग्जांपल है, इसमें जो प्लांट आते हैं उनको साइलोटम कहा जाता है, साइलोटम। तो साइलोटम भी टेरिडोफाइट है। लाइकोप्सिडा के दो एग्जांपल दिए गए हैं, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। तो सिलेजिनेला और दूसरा है लाइकोपोडियम, ठीक है। तो सिलेजिनेला हो गया और लाइकोपोडियम हो गया। उसके बाद जो तीसरा जो क्लास का एग्जांपल है स्फिनोप्सिडा, उसमें आता है इक्विसिटम, इक्विसिटम, और इक्विसिटम को ही हॉर्स टेल कहा जाता है। तो ये जो हॉर्स टेल है वो किसको कहा जाता है? इक्विसिटम को कहा जाता है, ठीक। तो टेरिडोफाइटा में जो हॉर्स टेल्स आते हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं? स्फिनोप्सिडा से बिलोंग करते हैं। और जो चौथा क्लास है वो बहुत बड़ा क्लास है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, इनके मेंबर्स को कॉमनली फर्म्स कहा जाता है, तो इसमें फर्म्स आते हैं। तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक में जो पहली लाइन लिखी है टेरिडोफाइटा ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए, उसमें हॉर्स्टेल्स एंड फर्म्स का जिक्र किया है। तो हॉर्स्टेल्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं? स्फिनोप्सिडा से बिलोंग करते हैं। इसमें एक हॉर्स्टेल का एग्जाम्पल है इक्विसिटम और साइंटिफिक नेम है, और फर्म्स जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का, उनका क्लास है टेरोप्सिडा। और फर्म्स के तमाम एग्जांपल्स हैं जिसमें आप लिख सकते हैं टेरिस है, ड्रैक्टेरिस है, एडियंटम है, तो आप लिख लें इसको ड्रायोप्टेरिस हो गया एक एग्जांपल, फिर इसका एक एग्जांपल हो गया टेरिस, और फिर एक एग्जांपल हो गया एडियंटम, एडियंटम, ठीक है। तो ये टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हो गए। अब एनसीईआरटी बुक में जो नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र है वो है कि टेरिडोफाइट के यूज क्या होते हैं। देखिए टेरिडोफाइट्स के तमाम यूज होते हैं, जिसमें मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है,
सॉयल बाइंडर के रूप में यूज किया जाता है और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज किया जाता है। तो तीन मेन यूसेज स्ट्रेटोफाइट्स का दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। स्ट्रेटोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, स्ट्रेटोफाइट्स आर यूज्ड एज सॉयल बाइंडर्स, और स्ट्रेटोफाइट्स जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी सजावटी पौधों के रूप में लगाए जाते हैं। लोग घरों में स्ट्रेटोफाइट्स को ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में लगाते हैं, गमलों में या क्यारियों में जो उनके गार्डन होते हैं वहाँ। तो यूजेस ऑफ स्ट्रेटोफाइट की अगर बात करें, यूजेस ऑफ स्ट्रेटोफाइट्स, स्ट्रेटोफाइट्स के क्या यूजेस हैं, तो उसमें तीन यूज आपको याद रखना पड़ेगा। और जो तीन यूज है उसमें पहला है मेडिसिनल पर्पसेस, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ठीक है इस्तेमाल होता है। दूसरा जो यूज होता है वो सॉयल बाइंडर के रूप में होता है। सॉयल बाइंडर ये मिट्टी के पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखते हैं जिससे कि रेन का इम्पैक्ट जो है वो कम होता है और सॉयल इरोजन नहीं होता है। सेम यूसेज ब्रायोफाइट का भी है। तो ब्रायोफाइट और स्ट्रेटोफाइट्स दोनों सॉयल बाइंडर के रूप में यूज किए जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो यूसेज है एज ऑर्नामेंटल प्लांट, तो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इनका इस्तेमाल होता है, सजावटी पौधों के रूप में लोग इनको अपने घरों में लगाते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेटोफाइट का क्या इस्तेमाल है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या देखें तो स्ट्रेटोफाइट पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। देखिए एल्गी जो है वो मोस्टली एक्वेटिक होता है, तो एल्गी को आप टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं बोल सकते। ब्रायोफाइट्स जो है वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, उनको नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, थोड़ा बहुत पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल प्लांट है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन है, तो ब्रायोफाइट्स है। स्ट्रेटोफाइट जो है वो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन ब्रायोफाइट और स्ट्रेटोफाइट में ये डिफरेंस है कि ब्रायोफाइट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, जबकि स्ट्रेटोफाइट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। तो स्ट्रेटोफाइट्स के बारे में जो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी बात है वो है दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज हैविंग वैस्कुलर टिश्यू। तो टेरेडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यू। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जिम्नोस्पर्म भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एंजियोस्पर्म भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इनमें भी जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो धरती पर आए। फर्स्ट का मतलब ये कि जो धरती पर आने वाले ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें सबसे पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम देखा गया, ये कहने का मतलब है। टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है उनमें तीन ग्रुप्स हैं, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और टेरेडोफाइट्स। ये तीनों ही टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं बेसिकली, और इन सभी में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। ब्रायोफाइट ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। तो अगर ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन देखें तो धरती पर पहले एल्गी आए, फिर कुछ समय बाद एल्गी से ही ब्रायोफाइट डेवलप किए, फिर ब्रायोफाइट से टेरेडोफाइट डेवलप किए, टेरेडोफाइट से फिर जिम्नोस्पर्म्स डेवलप किए, जिम्नोस्पर्म्स से फिर एंजियोस्पर्म डेवलप किए। तो सवाल यह है कि कौन सा ऐसा पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट था जिसमें आपको वैस्कुलर टिश्यू मिला देखने को, तो वो थे टेरेडोफाइट्स। तो ये इसका मतलब हुआ कि टेरेडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव वैस्कुलर टिश्यू, तो इसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। अच्छा, टेरेडोफाइट की ऑकरेंस कहाँ होती है, इसका इसका हैबिटेट क्या है? तो टेरेडोफाइट ठंडे जगह पर पाए जाते हैं, कूल प्लेस पर पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेस पर पाए जाते हैं, डैम्प प्लेस पर पाए जाते हैं जहाँ नमी होती है या मिट्टी
थोड़ी सी उसमें पानी का कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होगा। एक्वेटिक नहीं, तालाब नहीं, नदी नहीं, डैम्प सॉइल का मतलब होता है ऐसा मिट्टी जो थोड़ी गीली हो, ठीक है, थोड़ी दलदल टाइप की हो, आप पैर रखे मिट्टी पर तो थोड़ा दबे, ना भी दबे, मान लीजिए चट्टान है, चट्टान तो दबती, लेकिन उसमें पानी रिस रिस के आता हो, तो एक ऐसी चट्टान जिस पर आप देख रहे हैं कि पानी का सीपेज लगातार हो रहा है, तो वहां भी टेरोफाइट उग जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि टेरोफाइट जो होते हैं वो कूल डैम्प शेडी प्लेस पर उगते हैं। टेरोफाइट्स आर ग्रोन या आर फाउंड इन कूल मॉइस्ट, नमी होनी चाहिए, तो कूल मॉइस्ट डैम्प लिख लीजिए, शेडी प्लेसेस। तो टेरोफाइट जो होते हैं वो कूल मॉइस्ट डैम्प शेडी प्लेसेस पर उगते हैं, और कुछ टेरोफाइट जो होते हैं वो सैंडी एरिया में भी ग्रो करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सम ग्रो इन सैंडी एरिया, सम ग्रो इन सैंडी एरिया, ठीक है, सैंडी सॉइल कंडीशन। सम ग्रो इन सैंडी सॉइल कंडीशन। अब सैंडी सॉइल कंडीशन जो है वो मॉइस्ट तो रह नहीं सकता, बालू में पानी कहां रुकता है, पानी तो नीचे चला जाता है, ठीक। तो इसलिए ये एक्सेप्शनल टेरोफाइट हो गए कि कुछ टेरोफाइट ऐसे होते हैं जो सैंडी सॉइल कंडीशन में ग्रो करते हैं, जबकि ज्यादातर टेरोफाइट्स जो होंगे वो मॉइस्ट या डैम्प, लगभग मतलब एक ही है, मॉइस्चर जब होगा तभी सॉइल क्या होगी, डैम्प होगी, तो कूल यानी ठंडे जगह पर नमी या डैम्पनेस हो, और छायादार जगह हो, क्योंकि अगर छाया होगी तभी वो जगह ठंडी होगी, अगर छाया नहीं होगी, धूप होगा, इंटेंस सनलाइट होगा, तो वो जगह वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसलिए पहाड़ों पर टेरोफाइट्स की आपको बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलेंगी, चट्टानों से आपको फर्न तमाम निकले हुए मिलेंगे। तो आपने यहाँ टेरोफाइट का यूसेज देखा, टेरोफाइट का जो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है, मतलब आप कह सकते हैं इवोल्यूशनरी, ठीक है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात अगर मैं करूँ तो क्या इंपॉर्टेंस है टेरोफाइट का, तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो टेरोफाइट जो है वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू देखा गया। अब आइए टेरोफाइट्स के लाइफ साइकिल की बात करते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले ब्राफाइट्स के बारे में पढ़ा, तो ब्राफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, ठीक है, इसका मतलब कि ब्राफाइट के लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइट स्टेज होता है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन टेरोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होता है, यानी स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो टेरोफाइट में डोमिनेट करता है। तो टेरोफाइट्स में अगर उनकी लाइफ साइकिल देखें तो टेरोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दोनों स्टेज देखे जाते हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज भी देखा जाता है और गैमेटोफाइटिक स्टेज भी देखा जाता है, ठीक है, गैमेटोफाइटिक स्टेज भी देखा जाता है, स्पोरोफाइट से ही गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट से ही स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है, ये हर प्लांट ग्रुप में ऐसा होता है, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो टेरोफाइट हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, इन सभी प्लांट ग्रुप के लाइफ साइकिल में आपको दो स्टेजेस मिलेंगे लाइफ साइकिल में, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अब सवाल ये पूछता है कि किस प्लांट ग्रुप में कौन सा फेज डोमिनेट करता है, ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेट करता है, मतलब उसका जो मेन प्लांट बॉडी ज्यादातर दिखाई देने वाला जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होता है, जबकि स्पोरोफाइट जो होता है वो मेन प्लांट बॉडी होता है टेरोफाइट में भी, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेटिंग स्टेज इन टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। चूंकि बात यहाँ टेरोफाइट की हो रही है तो हम यहाँ ये कहेंगे कि स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होता है वो टेरोफाइट में डोमिनेट करता है और स्पोरोफाइटिक स्टेज रिप्रेजेंट करता है मेन प्लांट बॉडी को, यानी कि द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। तो इसका मतलब हुआ कि टेरोफाइट में स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होता है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। टेरोफाइटा
की जो बॉडी आप देखते हैं प्लांट बॉडी, उसको आप स्पोरोफाइट कहेंगे. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट ऑफ अ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट तो जो टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है. और इसके स्पोरोफाइट में आपको ट्रू स्टेम देखने को मिलेगा, इसके ऊपर लीफ देखने को मिलेगी, ठीक है, और ट्रू रूट भी देखने को मिलेगा. ट्रू रूट भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो टेरिडोफाइट का प्लांट बॉडी होता है उसमें लीव्स भी होती हैं, उसमें स्टेम भी होता है और उसमें रूट्स भी होते हैं. तो प्लांट बॉडी कंटेन्स लीव, स्टेम एंड रूट. ब्राफाइटा में भी आपको लीफ, स्टेम और रूट जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे. वहां हमने साफ लिखा था कि ब्राफाइट की जो प्लांट बॉडी है उसको थायलॉइड कहते हैं. ब्राफाइट में ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीव्स नहीं देखने को मिलता. लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और रूट के जगह पर वहां राइजोइड्स होते हैं. जबकि टेरिडोफाइटा में आपको क्या मिलेगा? रूट मिलेगा, स्टेम मिलेगा, लीफ मिलेगा और ये वास्तविक लीफ है, वास्तविक स्टेम है, वास्तविक रूट है. तो मेन प्लांट बॉडी जो टेरिडोफाइट का होगा उसमें पत्तियां, तने और जड़ मिलेंगी और इसी को हम स्पोरोफाइट कहेंगे. स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड. इसकी हर सेल में क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी, यानी ये डिप्लॉयड होता है मेन प्लांट बॉडी इसका. तो स्पोरोफाइट मतलब 2n और गैमेटोफाइट मतलब n. हर क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी होगी तो गैमेटोफाइट है और हर क्रोमोसोम की अगर दो कॉपी होगी किसी भी सेल में उस स्ट्रक्चर के तो उसको आपको स्पोरोफाइट का पार्ट मानना पड़ेगा. तो ये हो गया टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है, ठीक है. अच्छा, अब यहां पर देखेंगे कि जो लीफ है, स्टेम है, रूट है, इन सभी में वैस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा. तभी तो बोलेंगे ना पानी का और मिनरल का कंडक्शन के लिए जाइलम होता है और फूड के कंडक्शन के लिए फ्लोएम होता है. तो पत्ती फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाएंगी तो फ्लोएम के जरिए इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट को फूड सप्लाई करेगी और जड़ जो है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू वो भेजेगा बाकी जगहों पर, ठीक है. तो जाइलम और फ्लोएम दोनों का पाया जाना जरूरी है, जड़ में भी, तने में भी और पत्तियों में भी. तो लीफ हो या स्टेम हो या रूट हो, इन सभी में वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है. तो वैस्कुलर टिश्यू जब टेरिडोफाइट में पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? उसके लीफ में पाया जाता है, उसके स्टेम में पाया जाता है, उसके रूट में पाया जाता है. तो वैस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन लीव्स, स्टेम एंड रूट. ये बात क्लियर हो गई. तो ये हो गया कैसे जो है वो आप फर्क करेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को ब्रायोफाइट से. अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि टेरिडोफाइट में जो लीव्स पाई जाती हैं वहां भी आपको वेरिएशन मिलेगा. कुछ टेरिडोफाइट्स में छोटी पत्तियां पाई जाती हैं और छोटी पत्तियों को माइक्रोफिल कहा जाता है और कुछ टेरिडोफाइट्स में बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं और बड़ी पत्तियों को मैक्रोफिल कहा जाता है. तो माइक्रोफिल और मैक्रोफिल दो तरह की पत्तियों वाले टेरिडोफाइट्स होते हैं. तो लीव के बेसिस पर इसको आप मेंशन कर लें. लीव के बेसिस पर टेरिडोफाइट दो तरह के होते हैं. टेरिडोफाइट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है. स्मॉल लीफ वाले टेरिडोफाइट, स्मॉल लीव्स वाले टेरिडोफाइट और लार्ज लीफ वाले टेरिडोफाइट, लार्ज लीव्स वाले टेरिडोफाइट. तो स्मॉल लीव्स जिन टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है उनको माइक्रोफिल कहा जाता है. माइक्रोफिल, फिल मतलब पत्ती और माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है. तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. तो माइक्रोफिल्स पाए जाते हैं कुछ टेरिडोफाइट में और लार्ज लीफ वाले जो टेरिडोफाइट्स होते हैं मतलब उनमें बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं और बड़ी पत्तियों को माइक्रोफिल कहा जाता है. माइक्रोफिल्स कहा जाता है. तो टेरिडोफाइट में कुछ टेरिडोफाइट माइक्रोफिल वाले होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट मैक्रोफिल वाले होते हैं. अब एग्जांपल लिखा है कौन से टेरिडोफाइट हैं जिनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं? तो सिलेजिनेला,
तो इसका एग्जांपल आप लिख लेंगे सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला जो है उनमें माइक्रोफिल पाया जाता है, मतलब उनमें छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, और फर्न्स, फर्न्स की पत्तियां काफी बड़ी बड़ी होती हैं, तो फर्न में मैक्रोफिल पाया जाता है, यानी फर्न ऐसे टेरोफाइट्स हैं जिनमें लार्ज लीव्स पाई जाती हैं, सिलेजिनेला ऐसे टेरोफाइट हैं जिनमें स्मॉल लीव्स पाई जाती हैं। अब ये जो मेन प्लांट बॉडी होता है जिसमें कि स्टेम है, रूट है, लीफ है, इसी मेन प्लांट बॉडी पर स्पोरेंजिया भी पाए जाते हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये स्पोरेंजिया जो है वो एक खास तरह के लीफ लाइक अपेंडेजेस के साथ चिपके रहते हैं, जिसको एनसीईआरटी बुक लिखता है कि स्पोरेंजिया आर सबटेंडेड बाई स्पेशल लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल, यानी स्पोरेंजिया जो है वो स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, चिपके रहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को स्पोरोफिल कहा जाता है। और कुछ टेरोफाइट्स में ये जो स्पोरोफिल होते हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर के कोन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं, ठीक है। जैसे इक्विसिटम है, सिलेजिनेला की कुछ प्रजातियां हैं जिनमें आपको कोन या स्ट्रोबिलस मिलेगा। तो आइए इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है मतलब कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है टेरोफाइट का, मेन प्लांट बॉडी होता है टेरोफाइट का, इसके ऊपर स्पेशल लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और इन स्पेशल लीफ लाइक अपेंडेजेस को स्पोरोफिल कहा जाता है। फिल मतलब पत्ती, तो ऐसी पत्ती जिसके ऊपर स्पोरेंजिया हो या उसके अंदर स्पोर बनता हो, ठीक है। तो स्पेशल लीफ लाइक अपेंडेजेस को स्पोरोफिल कहा जाता है, और स्पोरोफिल जो होता है वो बियर स्पोरेंजिया, इसके ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया फ्रॉम स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस, फ्रॉम स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। तो स्पोरोफाइट में जो स्पोरेंजिया होता है उसके अंदर मियोसिस दिखता है, स्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस दिखा करके क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाती हैं, ठीक। तो ऐसे समझ लें कि मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ये इसका स्टेम है, ब्रांच है, ये मान लीजिए रूट है, एक सिंपल मॉडर्न डायग्राम हम दिखा रहे हैं, और ये तमाम पत्तियां हैं, ठीक, तमाम पत्तियां हैं, और इसी में कुछ स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना दिया है, ठीक है। इसी स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर से उस जनरल उस पत्ती के निचले सरफेस पर आप देखेंगे ऐसे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ये समझने वाला डायग्राम है। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलेंगे आपको, स्पोर्स मिलेंगे। तो ये जो स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अपेंडिक्स दिख रहा है, ये इसी को कहा जाता है स्पोरोफिल। तो ये जो लाल रंग से हमने पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बनाया है ये हो गया स्पोरोफिल, ठीक है, और इट इज, और ये सबटेंड कर रहा है किसको, स्पोरेंजिया को। ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं हरे रंग से बना हुआ वो हो गया स्पोरेंजियम, सिंगुलर हो गया स्पोरेंजियम, प्लूरल हो गया स्पोरेंजिया, और इसके अंदर बहुत सारे आप स्पोर्स देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्पोर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेन प्लांट बॉडी है, ये स्पोरोफाइट है, इसमें आप देखेंगे कि जड़ है, इसकी हर सेल में क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है तो ये डिप्लॉयड होगा, तना है, इसके हर सेल में क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी तो ये भी डिप्लॉयड होगा, पत्ती है, इसके हर सेल में क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी तो ये भी डिप्लॉयड होगा, ये जो स्पोरोफिल है लाल रंग की जो आप देख रहे हैं पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, ये भी डिप्लॉयड है, इसमें भी हर सेल में क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी तो ये भी डिप्लॉयड होगा, ये जो स्पोरेंजियम की दीवार है इसकी भी हर सेल में क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी, हर क्रोमोसोम की, ये भी डिप्लॉयड होगा, लेकिन जो स्पोर होता है वो हैप्लॉयड होगा क्योंकि वो मियोसिस से बनता है,
तो स्पोर क्या होगा? हैप्लॉयड होगा, जो कि मियोसिस से बनता है। तो इस पूरे स्पोरोफाइट में, इस पूरे स्पोरोफाइट में कौन सा स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉयड है, बाकी सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है? तो बोलेंगे स्पोर। स्पोर इज द ओनली हैप्लॉयड स्ट्रक्चर इन स्पोरोफाइट, क्योंकि वो मियोसिस से बनता है। और आप सेल डिवीजन में आपको बताया जा चुका है कि जो स्पोर मदर सेल होती है वो मान लो डिप्लॉयड है, और इसमें जब मियोसिस होगा तो ये चार स्पोर बनाएगी, और मियोसिस में जो डॉटर सेल होती है उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो ये स्पोर्स जो है वो हैप्लॉयड होते हैं, और जो स्पोर मदर सेल है वो क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। तो इस तरीके से स्पोरोफाइट का मेन काम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है? स्पोर बनाना। और यहां पर हमने एक और चीज बोला है कि कुछ टेंडोफाइट ऐसे होते हैं जिनमें स्पोरोफिल जो है वो ऑर्गेनाइज होकर के स्पेशल तरीके से कोन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं, उसका एग्जांपल है सिलेजिनेला और इक्विसिटम। तो आप इसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है? तो इन सम टेंडोफाइट्स स्पोरोफिल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म इन सम टेंडोफाइट्स स्पोरोफिल आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई और कोन्स, स्ट्रोबिलाई और कोन्स। और इसका एग्जांपल आप लिख लेंगे सिलेजिनेला और इक्विसिटम, ठीक है? सिलेजिनेला और इक्विसिटम। तो कौन से टेरोफाइट हैं जो स्ट्रोबिलाई और कोन बनाते हैं? मतलब ऐसे समझ लो कि एक ही साथ कई स्पोरोफिल का बंच निकलेगा, वो सारा बंच आपस में चिपक जाएगा, मतलब कुछ ऐसा। जैसे ये स्पोरोफिल है, ऐसे ये स्पोरोफिल है, ऐसे ये स्पोरोफिल है, ऐसे ये स्पोरोफिल है, ये आपस में ऐसे चिपक करके ऐसे कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है? और सभी के साथ आप देखेंगे स्पोरेंजिया अटैच होगा, और उसी स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको? स्पोर्स मिलेंगे। तो ये जो आपको स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को कोन बोलते हैं या स्ट्रोबिलस बोलते हैं। एग्जांपल है सिलेजिनेला और इक्विसिटम। तो इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं, सिलेजिनेला हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल जो हो गया इक्विसिटम। एनसीईआरटी बुक में आप चित्र देखेंगे इक्विसिटम का, तो लंबा सा एक स्टेम, एरियल स्टेम दिखा होगा, उसके टॉप पर ऐसे कोन दिखाया होगा, ठीक है? इक्विसिटम में दो तरह के स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम बोलते हैं, तो जमीन के नीचे राइजोम, जैसे अदरक हल्दी होता है ना, राइजोम का एग्जाम्पल है। तो अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम होगा, अंडरग्राउंड स्टेम, और उसके बाद उस अंडरग्राउंड स्टेम से एरियल स्टेम निकलेगा जिसको एक्सिस बोलेंगे, और उसमें ब्रांचेस निकलेंगे नोड से। ट्रू स्टेम में नोड इंटर नोड होते हैं, तो नोड से ब्रांचेस निकलेंगे और स्टेम का टॉप पर जाएंगे तो वहां पर आपको कोन मिलेगा, और ब्रांच का भी टिप पर आपको क्या मिल सकता है? कोन मिल सकता है। भाई स्टेम का ब्रांच जाएगा तो वो भी तो ऊपर ही जाएगा ना, उसके भी टिप पर आपको कोन मिलेगा। और कोन क्या होता है या स्ट्रोबिलस क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। स्पोरोफिल एक ही जगह कई सारी मिल करके एक चिपक करके आपस में कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि वहां पर स्पोरेंजिया का भंडार होगा और उनके अंदर स्पोर्स बन रहे होंगे। अब इसके बाद ये समझना है कि स्पोर बनने के बाद क्या होता है। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बने, स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होकर के बाहर आए, जमीन पर गिरे, और जब उनको थोड़ी बहुत नमी मिलती है तो स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, स्पोर से गैमेटोफाइट निकलता है, क्योंकि स्पोर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो उससे जो भी चीज़ बनेगा उसको गैमेटोफाइट कहेंगे। तो स्पोर जो है वो पहली सेल होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन की, ठीक है? तो स्पोर करता क्या है? तो स्पोर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको प्रोथैलस कहा जाता है टेरिडोफाइट में, ठीक है? और ये जो टेरिडोफाइट का प्रोथैलस होता है ये थैलॉयड स्ट्रक्चर दिखाता है, मतलब इसमें स्टेम रूट लीफ नहीं होता है, इसमें ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है और जमीन पर फ्लैट ग्रो करता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है ये, ऊपर और डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड से जैसे दबा दिया गया हो, जैसे आपने रिक्सिया और मार्केंसिया का जो थैलॉयड बॉडी देखा था कुछ उसी तरह का थैलॉयड बॉडी जो है वो
स्पोर से बनता है, लेकिन इसका जो गैमेटोफाइट है थैलॉइड बॉडी है और जो ब्राफाइट का गैमेटोफाइट या थैलॉइड बॉडी है, दोनों में अंतर यह है कि ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, अस्पष्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, इतना छोटा कि आपको कई बार नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। तो ये चीज एनसीईआरटी बुक यहाँ पर मेंशन करती है, तो उसको आप लिख लेंगे कि स्पोर गिव राइज टू या जर्मिनेट्स टू या स्पोर गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल मल्टी सेलुलर, स्मॉल होगा यानी बहुत ही सूक्ष्म होगा तभी इनकॉन्स्पिकुअस होगा, अस्पष्ट होगा, तो अस्पष्ट छोटा मल्टी सेलुलर ग्रीन फोटोसिंथेटिक हरा होगा और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाएगा, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक मतलब मोस्टली लिखा है एनसीईआरटी बुक में, तो ये भी आप भी लिख लेंगे, मोस्टली फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक अपना भोजन खुद बनाएगा तो फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट थायरॉइड गैमेटोफाइट, यानी कि ये चीज भी आपको लिखना पड़ेगा, थायरॉइड गैमेटोफाइट मतलब इसमें आपको स्टेम रूट लीफ नहीं दिखेगा। तो फिर से देखिए, स्पोर गिव राइज टू या स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म इनकॉन्स्पिकुअस अस्पष्ट छोटा यानी स्मॉल मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय हरे रंग का यानी ग्रीन, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा उसके अंदर, मोस्टली फोटोसिंथेटिक यानी अपना भोजन ज्यादातर केस में बनाने वाला, और इसी वजह से फ्री लिविंग, थायरॉइड गैमेटोफाइट मतलब उसमें स्टेम रूट लीफ नहीं होगा, तो ऐसा गैमेटोफाइट स्पोर बनाता है, इसी को बोलते हैं प्रोथैलस, कॉल्ड प्रोथैलस। तो स्पोर से क्या बनता है, प्रोथैलस बनता है, ठीक है। और ये प्रोथैलस जो होता है कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ये इस तरह से प्रोथैलस होता है, ठीक है, ये कुछ उसका ये होता है, हार्ट शेप प्रोथैलस होता है, और इसका एक सरफेस ऊपर होता है डॉर्सल और एक सरफेस नीचे होता है वेंट्रल, ठीक है। और पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए निचले सरफेस से राइजॉइड्स निकले रहते हैं, क्या निकले रहते हैं, राइजॉइड्स। तो प्रोथैलस पर राइजॉइड्स होते हैं, और किस सरफेस पर राइजॉइड्स होते हैं, वेंट्रल सरफेस पर राइजॉइड्स होते हैं, ताकि वो मिट्टी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके। और ये जो प्रोथैलस होता है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, फ्लैटेंड होता है, ठीक है। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, लेकिन वो बड़ा होता है, बहुत आसानी से दिख जाता है, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस नहीं होता, लेकिन जो टेडोफाइट का गैमेटोफाइट होता है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, अस्पष्ट होता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता, बहुत ही छोटा होता है, इसको माइक्रोस्कोपिक भी बहुत सारी किताबों में लिखा गया है। तो ये हो गया स्पोर के जर्मिनेशन से, तो स्पोर जो है वो जर्मिनेट जब करता है तो ऐसे ही ये प्रोथैलस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यही वो प्रोथैलस है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रोथैलस क्या होता है, और गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है, यानी इसके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। तो इसी प्रोथैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, और ये इसके डॉर्सल सर्फेस पर नहीं, इसके निचले सर्फेस पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो रिक्सिया है, रिक्सिया एक ब्राफाइट है, उसके थायलॉइड बॉडी पर जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो डॉर्सल सर्फेस पर पाए जाएंगे, लेकिन टेडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है उसमें सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोला जाता है टेडोफाइट में, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोला जाता है टेडोफाइट में। सेम चीज ब्राफाइट में भी होता है, वहां भी मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है। वहां गैमेटोफाइट पर ये सेक्स ऑर्गन डॉर्सल सर्फेस पर होते हैं, यहां गैमेटोफाइट पर ये जो सेक्स ऑर्गन है ये वेंट्रल सर्फेस पर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जब थैलस का वेंट्रल सर्फेस देखेंगे, इसका जब आप वेंट्रल व्यू देखेंगे थैलस का,
तो ये तो राइजोइड दिखेगा वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है, राइजोइड दिखेगा क्योंकि आपने ऐसे उखाड़ा और इसका निचला सरफेस को अपने सामने आप लेते आए, तो ये जो सरफेस है वो कौन सा सरफेस है, वेंट्रल सरफेस हो गया, ठीक है, वेंट्रल सरफेस हो गया। और ये आपको गड्ढा जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं नॉच, एपिकल नॉच बोला जाता है इसको, एपिकल नॉच। और यहां पर एपिकल नॉच वाला पोर्शन है, यहां ऊपर आर्किगोनिया होता है, आर्किगोनिया का समूह होता है, तो ये आर्किगोनिया पाया जाता है, कई सारे आर्किगोनियम आर्किगोनिया होंगे, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है प्रोथैलस पर, उसके वेंट्रल सरफेस पर होगा और इसके नीचे राइजोइड्स के बीच बीच में, यहाँ ये देखते हैं आप, ये एंथ्रीडिया होगा, क्या होगा, एंथ्रीडिया होगा, सिंगुलर को बोलेंगे एंथ्रीडियम, प्लूरल होगा एंथ्रीडिया, तो ये हो जाएगा एंथ्रीडिया, तो ये एंथ्रीडिया हो गया, ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया, और ये आर्किगोनिया हो गया, ठीक। और आर्किगोनिया में आपको मालूम है आर्किगोनिया फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्रायोफाइट में बताया था, और इसका सबसे निचला फूला हुआ हिस्सा को वेंटर कहते हैं, ऊपर वाले हिस्सा को नेक कहा जाता है, जैसे ब्रायोफाइट में था नेक हो गया, और ये क्या हो गया, वेंटर हो गया। ब्रायोफाइट में आर्किगोनिया ज्यादा डेवलप होता है टेरिडोफाइट की आर्किगोनिया के रिस्पेक्ट में, ब्रायोफाइट का आर्किगोनिया बड़ा होगा, ब्रायोफाइट का एंथ्रीडिया भी बड़ा होगा, लेकिन टेरिडोफाइट का एंथ्रीडिया आर्किगोनिया छोटे छोटे होंगे, क्योंकि ये जिस स्ट्रक्चर पर पाए जा रहे हैं वही बहुत छोटा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल है, तो इनके सेक्स ऑर्गन भी बहुत छोटे होंगे। तो पूछा जाएगा कि किस प्लांट ग्रुप में आर्किगोनिया एंथ्रीडिया सबसे बड़े होते हैं, तो ब्रायोफाइट, वहीं से मिलना शुरू होता है एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, और जैसे जैसे आप एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, तो आप देखेंगे कि एंथ्रीडिया आर्किगोनिया ब्रायोफाइटा में भी पाया जाता है, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया टेरिडोफाइटा में भी पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है, वहाँ एंथ्रीडिया नहीं होता, सिर्फ आर्किगोनिया होता है जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में तो दोनों नहीं होते, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया नहीं होता, वहाँ तो फ्लावर बनता है, वहाँ गाइनोशियम एंड्रोशियम होता है, ठीक है, वो तो हम लोग आगे जिक्र करेंगे। तो ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइटा में जो प्रोथैलस होता है उसके वेंट्रल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ऊपर की तरफ होता है जिसको आर्किगोनिया कहते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन नीचे की तरफ होता है, एंथ्रीडिया उसको कवर करता है, एंथ्रीडिया जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये बड़ी खास बात है, लोकेशन जो सेक्स ऑर्गन की है वो कहाँ होती है वो बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी बुक में नहीं बताया, बस लिख दिया है कि प्रोथैलस पर सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। एक और चीज, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है, ठंडा जगह चाहिए, कूल शेडी मॉइस्ट प्लेस चाहिए, और हर जगह कूल शेडी मॉइस्ट प्लेस नहीं होता है, इसीलिए जो लिविंग टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है, हर जगह टेरिडोफाइट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह कूल नहीं है, हर जगह शेडी नहीं है, हर जगह मॉइस्ट नहीं है, ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो कूल मॉइस्ट शेडी प्लेस होगा वही टेरिडोफाइट पाया जाएगा। तो एनसीईआरटी को लिखता है कि वाई The distribution of living pteridophytes is limited. वो इसलिए क्योंकि इनकी location ही, इनकी habitat ही बड़े विशेष होती है, cool, damp या moist, shady place चाहिए, तो वो जहां होगी वहीं pteridophyte पाए जाएंगे। तो prothallus जो है उसको mainly moisture चाहिए, sporophyte अगर जो है, अगर आप देखें जिसमें stem root leaf होता है वो तो कहीं भी उग सकता है जहां थोड़ा बहुत भी पानी है, लेकिन इसको तो पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके पानी के बिना फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। तो वाटर के मदद से ये जो एंथ्रीडियम देख रहे हैं इसके अंदर एंथ्रोजोइट्स बनते हैं, एंथ्रोजोइट्स बनते हैं, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर आप जाकर देख रहे हैं क्या है, ये गैमेटोफाइट है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, गैमेटोफाइट है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉयड है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, हैप्लॉयड है, मतलब एंथ्रीडिया भी हैप्लॉयड, आर्किगोनिया भी हैप्लॉयड, ये प्रोथैलस भी हैप्लॉयड, राइजोइड भी हैप्लॉयड, इसके अंदर एंथ्रोजोइड भी हैप्लॉयड, और ये जो एग देख रहे हो एग भी हैप्लॉयड, तो सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर हैप्लॉयड है, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो पानी के मदद से इसमें से जो एंथ्रोजोइड होते हैं उसमें सीलिया निकला होता है, ठीक है ना, तो सीलिएटेड एंथ्रोजोइड जो है वो इस ये जो एंथ्रीडिया फटेगा, इससे एंथ्रोजोइड्स निकलेंगे और आर्किगोनिया में घुस करके ये एग को फर्टिलाइज कर देंगे, क्योंकि आर्किगोनिया वहीं बगल में है, ठीक है। तो पानी जो वाटर के पतली सी फिल्म भी होगी तो भी काम चल जाएगा, तो एंथ्रीडिया से
एंथ्रोजोआइट निकले, पानी में तैरते हुए गए और आर्किगोनिया में घुस करके एग को फर्टिलाइज कर दिया। तो एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोआइट निकले, आर्किगोनिया के अंदर घुस गए और आर्किगोनिया के अंदर जो एग है सबसे नीचे बेस पर वेंटर में वहां जाकर के फर्टिलाइजेशन हुआ। तो आप देखिए ये आर्किगोनिया है, ये है एग और ये मान लीजिए ये एंथ्रोजोआइट है, ठीक है, ये एंथ्रोजोआइट है और ये पानी में तैरते हुए आर्किगोनिया के नेट के रास्ते, इसके छेद के रास्ते अंदर घुस करके यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बनेगा। तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान रखेंगे जैसे ब्रायोफाइटा में वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, टेरिडोफाइटा में भी वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लिमिटेड होता है, पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है। अब ऐसा भी पानी नहीं कि समुद्र वाला पानी तो खा रहा है, वो तो पानी निकल जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, कोई भी सेल जीवित ही नहीं रह पाती है, स्पेशल तरह की सेल ही जीवित रहती है। समुद्र में हर मछली नहीं जीवित रहती, कुछ खास तरह की मछलियाँ जीवित रहती हैं या कुछ खास तरह के एनिमल ही जीवित रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे समुद्र का एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन समुद्री जीवों की संख्या कम है, क्योंकि समुद्र जो है वो ज़्यादातर जीवों के लिए जिंदा रहने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है और पानी हर जगह अवेलेबल नहीं होता और इस वजह से टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड होता है। कूल शेडी मॉइस्ट प्लेस, मॉइस्ट मतलब वाटर चाहिए, तो इसलिए लिविंग टेरिडोफाइट हर जगह नहीं पाए जाते हैं, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो प्रोथेलस एक गैमेटोफाइट है, इस पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, इसके वेंट्रल सरफेस पर एंथ्रीडिया आर्किगोनिया और ये फर्टिलाइजेशन होकर के क्या बनता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट पहली सेल होती है स्पोरोफाइट की। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, क्या लिखेंगे, जाइगोट इज फॉर्म। तो यहां पर आप लिख लेंगे जाइगोट इज फॉर्म इन आर्किगोनिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है क्योंकि एग और एंथ्रोजोआइट एनएन है, दो एनएन आपस में आगे फ्यूज करेंगे, देखो बेटा ये भी एनएन है ये भी एनएन है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ये फ्यूजन से इसी जगह पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट बन गया आर्किगोनिया के अंदर। अब ये जाइगोट टू एन हो गया और इसी जाइगोट से आगे चल करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो ही होता है क्या, स्पोरोफाइट। इसी में स्टेम आ जाएगा, रूट आ जाएगा, लीफ आ जाएगा, तो कह देंगे कि साहब एक नया टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी बन गया। मतलब यहीं पर इसी में से फिर आपको ऐसे प्लांट जो है वो बन जाएगा, इसी में से ऐसे स्टेम निकल जाएगा, नीचे रूट निकल जाएगी और इस पर पत्तियां आ जाएंगी, देख रहे हो। तो ये हो गया गैमेटोफाइट और इसकी आर्किगोनिया से स्पोरोफाइट निकल गया, आर्किगोनिया से क्या निकल गया, स्पोरोफाइट निकल गया और ये गैमेटोफाइट फिर सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। जब इसकी जड़ बन जाती है तो अपना भोजन ये खुद लेने लगता है, पत्तियां इसका भोजन खुद बनाती है। तो जाइगोट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। तो आइए एक समरी देखते हैं जो हमने एक लाइफ साइकिल अभी आपको टेरिडोफाइट का बताई। तो आप देखेंगे कि ये मान लीजिए मेन प्लांट बॉडी है, ये स्टेम है, उसकी ब्रांच है और ये रूट है, ये रूट और ये लीव्स है, ठीक। और इसी में खास तरह की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरोफिल बोलते हैं और इसी स्पोरोफिल से एसोसिएटेड होता है स्पोरेंजिया और उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक। तो ये हो गया स्पोरोफाइट, ठीक है, इसी को कहते हैं स्पोरोफाइट, क्लियर हो गया। अब इसी से स्पोर निकला, बाहर गिरा और ये स्पोर का जर्मिनेशन हुआ और ये कुछ प्रोथेलस जैसा स्ट्रक्चर बना और ये जो प्रोथेलस बन गया तो इसमें फिर फर्टिलाइजेशन होगा, बता चुके हैं, और आर्किगोनिया के अंदर जाइगोट बनेगा और ये आर्किगोनिया के अंदर जाइगोट बनेगा तो फिर ये फिर इससे एक नया स्पोरोफाइट जनरेट होगा और इसी में नीचे ये अपना जड़ बना लेगा, ठीक है। और कोई जरूरत नहीं कि एक ही टेरिडोफाइट यहाँ निकलेगा, ऐसे बहुत सारी आर्किगोनिया होगी तो बहुत जगह बहुत सारी आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन होगा, तो इस तरह से सभी जाइगोट से वो स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये
बेसिक है टेटोफाइट की लाइफ साइकिल का। तो ये स्पोरोफाइट हो गया और ये गैमेटोफाइट हो गया, गैमेटोफाइट हो गया, ये तो गैमेटोफाइट है ठीक, और ये स्पोरोफाइट हो गया। तो यही चीज मैंने आपको समझा दिया, स्पोरोफाइट हो गया। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट बनता है। डोमिनेट का ये थोड़े समय के लिए लाइफ साइकिल में रहता है, ज्यादातर समय आपको यही वाला स्टेज देखने को मिलता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टेटोफाइट में स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेट करता है। अच्छा, अब एक चीज आपको बता दें, जो स्पोर्स बनते हैं स्पोरोफाइट पर, ये एक ही तरह के स्पोर्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ज्यादातर टेटोफाइट जो होते हैं वो एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं, लेकिन कुछ टेटोफाइट जो होते हैं वो दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, या माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है। तो स्पोर्स आप यहां लिखेंगे कि मोस्ट टेरिडोफाइट्स, मोस्ट टेरिडोफाइट्स फॉर्म वन टाइप ऑफ स्पोर, वन टाइप ऑफ स्पोर्स। ज्यादा टेरिडोफाइट होते हैं एक ही तरह का स्पोर बनाते हैं, और ऐसे टेरिडोफाइट को होमोस्पोरस कहा जाता है, होमोस्पोरस कहा जाता है ठीक। जैसे ड्रायोपटेरिस है, ये होमोस्पोरस है, तो एग्जांपल हो गया ड्रायोपटेरिस ठीक, या टेरिस ठीक, या एडिएंटम और भी लिख सकते हैं, एडिएंटम। फर्म जो होते हैं वो ज्यादातर होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ टेरोफाइट्स ऐसे होते हैं, सम टेरोफाइट्स, टेरोफाइट्स फॉर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं ठीक, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, मैक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर, लार्ज स्पोर एंड स्मॉल स्पोर। अबे दो तरह के स्पोर में लार्ज स्पोर और स्मॉल स्पोर, तो जो लार्ज स्पोर होगा उसको कहेंगे माइक्रोस्पोर, और दूसरा स्मॉल स्पोर उसको कहेंगे माइक्रोस्पोर। तो दो तरह के स्पोर बना, और ये दो तरह के स्पोर अलग अलग स्पोरेंजिया में बन सकते हैं, मतलब कुछ कुछ स्पोरोफिल से तो स्पोरेंजिया होगा उसमें बड़े स्पोर बनेंगे, कुछ स्पोरोफिल से जो स्पोरेंजिया होगा वो छोटे स्पोर निकालेगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ टेरिडोफाइट जो होते हैं, सम टेरिडोफाइट जो होंगे वो दो तरह के स्पोर बनेंगे, लार्ज स्पोर एंड स्मॉल स्पोर। लार्ज स्पोर को कहेंगे मैक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर उसको मेगास्पोर भी कहा जाता है, और छोटे स्पोर को कहेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रो। एग्जाम्पल लिख लीजिए कौन से ऐसे टेरिडोफाइट हैं, तो एग्जाम्पल हो गया सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, और जो एक्वेटिक फर्म होते हैं, पानी में पाए जाने वाले फर्म होते हैं, जैसे साल्विनिया, एनसीईआरटी बुक में साल्विनिया का चित्र भी दिया है और उसका एग्जाम्पल भी दिया है। तो साल्विनिया ये एक्वेटिक फर्म, एक्वेटिक फर्म, तो एक्वेटिक फर्म याद रखेंगे, फर्म नहीं एक्वेटिक फर्म, पानी में पाए जाने वाला फर्म, तो साल्विनिया याद रखेंगे और सिलेजिनेला याद रखेंगे। इन दोनों में दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर, लार्ज स्पोर और स्मॉल स्पोर। हमने अभी तक जो लाइफ साइकिल बताई थी ये माइक्रोस्पोर वाली बताई, मतलब ये एक तरह का स्पोर जो बनाते हैं टेरिडोफाइट उनका बताया, उनमें प्रोथैलस बनता है, उनमें क्या बनता है, प्रोथैलस बनता है ठीक, उनमें प्रोथैलस बनता है, मतलब उनके जो गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। लेकिन जो टेरोफाइट दो तरह के स्पोर बनाते हैं, एक स्पोर छोटा एक स्पोर बड़ा, तो दोनों से जो जो चीज जर्मिनेट होकर निकलेगा उसको प्रोथैलस एनसीईआरटी बुक ने नहीं लिखा है, एक को लिखा है मेल गैमेटोफाइट, एक को लिखा है फीमेल गैमेटोफाइट ठीक है। तो याद रखेंगे जो टेरोफाइट दो तरह के स्पोर बनाते हैं उनको हेटरोस्पोरस कहा जाता है, हेटरोस्पोरस। तो अब आपको क्लियर हो गया कि टेरिडोफाइट दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ऐसे टेरिडोफाइट जो एक तरह का स्पोर बनाते हैं होमोस्पोरस, ऐसे टेरिडोफाइट जो दो तरह का स्पोर बनाते हैं उनको हेटरोस्पोरस। हेटरोस्पोरस का एग्जांपल क्या है, सिलेजिनेला और साल्विनिया ठीक है, और
जो स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथेलस बनाते हैं वो किसमें बनाते हैं? होमोस्पोरस में। लेकिन जो हेटरोस्पोरस होंगे उनमें, मान लीजिए जो हेटरोस्पोरस टेटोफाइट होंगे उनमें क्या होगा? हेटरोस्पोरस टेटोफाइट में जो लार्ज स्पोर होगा वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाए, फीमेल गैमेटोफाइट बनाए, ठीक। और जो स्मॉल स्पोर होगा वो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक। तो जो हेटरोस्पोरोस्टेटोफाइट होते हैं वो प्रोथेलस नहीं बनते, जो होमोस्पोरोस्टेटोफाइट होते हैं वही प्रोथेलस बनाते हैं। और जो हेटरोस्पोरोस्टेटोफाइट होते हैं उनमें दो तरह के स्पोर होते हैं, एक स्पोर से, छोटा वाला स्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है क्योंकि उस पर मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया बियर करता है, ठीक है, बियर एंथ्रीडिया। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो बियर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया होता है, आर्किगोनिया होता है, तो उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोल दिए। यानी यहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पर होते हैं, अलग अलग गैमेटोफाइट पर होते हैं। तो ये डायोशियस हो गए, क्या हो गए? डैश, यानी हेटरोस्पोरोस्टेटोफाइट क्या होते हैं? डैशियस होते हैं, एक ही गैमेटोफाइट पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं होते, अलग अलग गैमेटोफाइट पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि लार्ज स्पोर स्मॉल स्पोर जर्मिनेट करके अलग अलग स्ट्रक्चर देंगे। लार्ज स्पोर जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, स्मॉल स्पोर जर्मिनेट करेगा तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा। मेल गैमेटोफाइट को इसलिए मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन है, क्या है? एंथ्रीडिया। फीमेल गैमेटोफाइट को इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या है? आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग गैमेटोफाइट पर है, जबकि होमोस्पोरस में क्या था? एक ही सेक्स ऑर्गन, एक ही गैमेटोफाइट पर दोनों ही सेक्स ऑर्गन मौजूद है। तो वो बाइसेक्सुअल हो तो मोस्ट ऑफ द टेटोफाइट बाइसेक्सुअल होते हैं, होमोस्पोरस टेटोफाइट बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोशियस होते हैं, जबकि हेटरोस्पोरस टेटोफाइट जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं, मतलब अलग अलग गैमेटोफाइट पर इनके सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो हेटरोस्पोरस टेटोफाइट जो होते हैं वो सीड हैबिट दिखाते हैं, जो कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सीड हैबिट की शुरुआत किस प्लांट ग्रुप से होती है? टेटोफाइट से। देखिए सीड बनाते हैं कौन कौन से प्लांट ग्रुप? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी सीड बनता है, जिम्नोस्पर्म में भी सीड बनता है, लेकिन टेटोफाइट में सीड नहीं बनता, लेकिन सीड जैसे हैबिट की शुरुआत हो जाती है। तो सीड जैसे हैबिट की शुरुआत दिखाने वाला कौन सा प्लांट ग्रुप हो गया? टेटोफाइट। तो सीड हैबिट इज शोन बाय टेटोफाइट्स, टेटोफाइट्स, ठीक। और सीड फॉर्मेशन इज सीन, सीड बनता है किसमें? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इनमें सीड बनता है। और सीड हैबिट की शुरुआत, सीड हैबिट ओरिजिनेटेड लिखना तो ज्यादा बढ़िया होगा, इज ओरिजिनेटेड इन, वॉज लिख लेंगे क्योंकि सीड हैबिट की शुरुआत तो पहले हो चुकी रहती है। तो सीड हैबिट वॉज ओरिजिनेटेड इन टेटोफाइट, ठीक। और कौन से टेटोफाइट में? हेटरोस्पोरस टेटोफाइट्स में, हेटरोस्पोरस टेटोफाइट ही सीड हैबिट दिखाते हैं, टेरिडोफाइट्स। तो हेटरोस्पोरस टेटोफाइट जो होते हैं वो सीड हैबिट दिखाते हैं, शो सीड हैबिट। क्या मतलब है इसका भी समझाते हैं। हेटरोस्पोरस टेटोफाइट का मतलब क्या हो गया? सिलेजिनेला, साल्विनिया, ये सब। अब देखिए इनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, इनमें क्या है? दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। एक हम ऐसे ही मॉडल डायग्राम आपको दिखाते हैं, फिर से वही स्पोरोफाइट बनाते हैं, ठीक है। इसमें जड़ बना दिया, ठीक है, और पत्तियां बना दी, तना बना दिया, स्टेम रूट लीफ बना दिया, और इसमें हमने दो तरह का स्पोरोफिल बनाया, मैक्रोस्पोरोफिल और
और माइक्रोस्पोरोफिल बना दिया, दो तरह के स्पोरेंजिया बियर करेंगे ना, दो तरह के स्पोर बनाने के लिए ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इस पर जो स्पोरेंजिया है और जो इस पर स्पोरेंजिया है, तो अलग अलग स्पोर ये टाइप के स्पोर बनाएंगे। तो यहां पर इसमें बड़े बड़े स्पोर्स हैं और इसमें छोटे छोटे स्पोर्स हैं, तो इससे बड़ा स्पोर निकलेगा, इससे छोटा स्पोर निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मैक्रोस्पोर और ये हो गया माइक्रोस्पोर, ठीक है। और ये अलग स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, तो इसको लिखेंगे मैक्रोस्पोरेंजिया, इसको लिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो छोटे स्पोर जिस स्पोरेंजिया में बनते हैं उनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम या जिया। स्पोरेंजिया प्लूरल है और स्पोरेंजियम सिंगुलर है। और जो बड़ा वाला स्पोरेंजिया है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं उसको लिख लेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। और जो लीफ लाइक अपेंडिजेस इनको बियर कर रहा है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर के साथ सब माइक्रो माइक्रो लगा दो। और जो लीफ माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करेंगे इनको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। तो अब आपको समझ में आ गया, माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब ये जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे तो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और ये मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक, ये बना रहा है। और मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, ये मान लो फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया और ये मेल गैमेटोफाइट बन गया, और ये भी थायलॉइड ही होता है, इसको लिख लेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। एनसीईआरटी में इनको प्रोथेलस नहीं लिखता, और इनको लिख दीजिए मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और ये जो गैमेटोफाइट होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं, ये थायलॉइड होते हैं, आर ऑलवेज थायलॉइड, चाहे होमोस्पोरस हो हेटरोस्पोरस, इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं देखा जाता, तो थायलॉइड जमीन पर डॉर्सोमेंटली फ्लैटेंड ही होते हैं। और इनके ऊपर अब आर्किगोनिया होगा, तो ऐसे आर्किगोनिया बना दीजिए, ठीक, और इनके ऊपर एंथ्रीडिया होगा तो एंथ्रीडिया बना दीजिए, भाई स्पोर निकलेगा तो अगल बगल ही न गिरेगा। और एंथ्रीडिया है, इसके अंदर एंथ्रोजॉइट बना दीजिए, इसके अंदर एग बना दीजिए, एग हो गया, इसको लिख दीजिए आर्किगोनिया, और इसके अंदर एंथ्रोजॉइट बना दीजिए, एंथ्रोजॉइट्स बना दीजिए, ठीक। तो ये हो गया एंथेरो जॉइंट, और एंथ्रीडियम लिख दीजिए इसको, एंथ्रीडिया हो गया। तो एंथ्रीडिया मेल गैमेटोफाइट पर जिसके अंदर एंथ्रोजॉइट बन रहा है, आर्किगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट पर जिसके जिसके अंदर एग बन रहा है। तो ये हो गया ना, डायोशियस अलग अलग थायलस पर, अलग अलग गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन है, मेल अलग सेक्स मेल सेक्स ऑर्गन अलग गैमेटोफाइट पर, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग गैमेटोफाइट पर। तो हेटरोस्पोरस टेटोफाइट क्या हो गया, डायोशियस हो गया। तो हेटरोस्पोरस तैरते हुए ये एंथ्रोजॉइट आर्किगोनिया में घुसेगा, बगल वाले थैलस के आर्किगोनिया में, और यहां पर जाइगोट बन जाएगा। तो आप देखेंगे अब क्या होगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसकी जो आर्किगोनिया है, इसके अंदर जायगोट बनेगा, और इसी के अंदर जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, यानी स्पोरोफाइट बनेगा,
क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा, और ये क्या है? जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसी आर्किगोनिया में इसी जगह पर जाइगोट बनेगा, उसके बाद इसी जगह पर स्पोरोफाइट बनेगा, और स्पोरोफाइट को कुछ समय तक ही अपने अंदर रोक के रखेगा, तुरंत इससे प्लांट नहीं बनने देगा। जैसे बीज के अंदर इम्ब्रियो रहता है, तुरंत प्लांट नहीं बन जाता है, बीज के अंदर इम्ब्रियो जो है वो कुछ समय तक सुरक्षित रहता है। तो बीज जैसी ही प्रॉपर्टी ये दिख रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट नेक्स्ट जनरेशन के स्पोरोफाइट को अपने आर्किगोनिया में कुछ समय तक छिपा के रखता है, डॉर्मेंट स्टेज में रखता है, इसी को सीड हैबिट कहा जाता है। तो सीड हैबिट टेडोफाइटा में देखा जाता है। कौन से टेडोफाइटा में? हेटरोस्पोरस टेडोफाइट में देखा जाता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट नहीं निकलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट निकलेगा, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट की आर्किगोनिया में एम्ब्रियो या मौजूद है जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट देगा। मेल गैमेटोफाइट तो सड़ के खत्म हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट भी तब सड़ के खत्म हो जाएगा जब इससे स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हेटरोस्पोरोफाइट में कौन सा गैमेटोफाइट से प्लांट बॉडी बनती है? फीमेल गैमेटोफाइट से प्लांट बॉडी बनती है, मेल गैमेटोफाइट से प्लांट बॉडी नहीं बनती। वो एंथ्रोजॉइट दे देता है, फीमेल गैमेटोफाइट के आर्किगोनिया में घुस जाता है एंथ्रोजॉइट, उसके एग को फर्टिलाइज करता है, वहाँ जाइगोट बन जाएगा, फिर उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो ही स्पोरोफाइट है, वही फुली डेवलप्ड स्पोरोफाइट मतलब रूट स्टेम लीफ वाले प्लांट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप को ये टेरोफाइटा बता के ख़त्म किया गया ये पोर्शन। ठीक है, और इसमें आप चित्र देख लेंगे, सिलेजनेला का चित्र दिया है, इक्विसिटम का चित्र दिया है, और इसमें फर्न का चित्र दिया है, और इसमें साल्विनिया का चित्र दिया है। ठीक है, तो उस पर आप विशेष ध्यान दे देंगे। एक चीज़